नमस्कार दोस्तों, मैं लिपिका प्रीत बिहारी न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी बेटी के बारे में जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके वजह से आज पूरे बिहार का नाम पूरे देश भर में ही नहीं पूरे दुनिया भर में रोशन किया जा रहा है। बचपन में आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज को देखकर रोमांचित होने वाली एक लड़की को लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के पहले 3 पायलटों में शामिल किया गया है। करीब 1500 महिलाएं भारतीय वायुसेना में हैं, वे विभिन्न विभागों में काम कर रही हैं। महिलाएं 1991 से हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ान भर रही हैं, लेकिन फाइटर प्लेन से उन्हें दूर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी महिलाओं को लड़ाकू विमान के कॉकपिट में जगह देने का फैसला किया था। एक अवसर में इसी मौके को बदलने वाली बिहार की एक लड़की है भावना कंठ। 1 दिसंबर 1992 को भावना का जन्म बरौनी में हुआ था। इंडियन ऑयल कंपनी में एक इंजीनियर की पद पर उनके पिताजी कार्यरत हैं, जबकि माँ एक गृहिणी है। पढ़ाई में बचपन से ही सबसे आगे भावना को 10वीं कक्षा में परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक लाने पर IOCL की तरफ से मेधा पुरस्कार से नवाजा गया था। अपनी 10वीं तक की स्कूली शिक्षा भावना ने बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी रिफाइनरी के DAV स्कूल से पूरी की। वे बताती हैं कि 10वीं के बाद कोटा के विद्या मंदिर स्कूल में दाखिला लिया, इसके साथ ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में कोचिंग भी ली। कठिन मेहनत के नतीजा रहा कि बेंगलुरु में BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में B.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चयन हो गया। 2014 में B.Tech करने के बाद भावना का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई, लेकिन उन्हें बचपन से ही वायुसेना में जाने का मन था। वो NDA का परीक्षा में अपने हाई स्कूल के दौरान भी देना चाहती थी, लेकिन महिलाओं के लिए उसमें कोई पद नहीं था। भावना को बेंगलुरु में रहने का फ़ायदा मिल गया और उन्होंने 2014 में भारतीय वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उसके बाद उन्हें वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला, फिर वे पायलट के प्रशिक्षण के लिए चुन ली गई। यह भावना के लिए किसी बड़े सपने का पूरा होने का दिन था, जिसके बाद कठिन प्रशिक्षण का दौर चला। उन 3 महिला पायलट्स में अब वे भी शामिल हो रही हैं, जिन्हें पहली बार वायुसेना का फाइटर प्लेन को उड़ाने का मौका मिलेगा। उनके साथ अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश और मोहना सिंह गुजरात को भी वायुसेना में कमीशन मिलेगा। उत्तराखंड इंजीनियरिंग कॉलेज में भावना का छोटा भाई नीलांबर कंठ है, तो वहीं DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से छोटी बहन तनुजा कंठ B.Tech कर रही हैं। दोनों दीदी को अपना रोल मॉडल बताते हैं। दरभंगा के बाउर गाँव भावना के पैतृक गाँव निवासी और लाइट कैम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माण में जुड़े वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा की इच्छा है कि भावना तेजस में उड़ान भरे। भावना की उपलब्धियों पर गर्व प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि भावना दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तेजस को उड़ाने के लिए सही उम्मीदवार हैं। दरभंगा जिला अंतर्गत घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गाँव की मूल निवासी भावना कंठ हैदराबाद स्थित एयरक्राफ्ट एकेडमी में फाइटर प्लेन उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के बाद 18 जून 2016 को वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हो गई। भावना कहती हैं, बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखती थी, हमेशा से चिड़िया की तरह उड़ना चाहती थी, अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।